गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल काम मिसिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड हैप्पी जयंतिया। जयंतिया है और सुबह के 3:30 हो रहे हैं। नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। मम्मी है जो सुबह सुबह करते हैं, इसलिए गई हुई है। अब मैं जा रही हूँ चाय रखने, मेडिसिन खाना नहीं भूलूँगी। ऐसे अपना मिल्क केक खाऊँ, मिल्क केक बाहर कर दूँ। और गाइस, आज का जो नियम है वो दही चिवड़ा का ज़रूर होता है। ये मम्मी ने सान के रखा हुआ है। ये दही चिवड़ा अपने बच्चों को भी खिलाया जाता है। आज के दिन मुँह जूठा कराया जाता है। तो अभी हम पहले चाय वाय पी लेते हैं, फिर मम्मी आ रही है, फिर देखते हैं क्या करना है। सब लोग सोए हुए हैं, बस ऐसे मम्मी लिप्स पे भी चिपका चिपका सब कुछ छोड़ देती है, थोड़ा थोड़ा से छुआ के। सो गए, सर्दी का जो भी नियम होता है वो सब कुछ हमने कर लिया। और बाबू आज सोया था अपनी दादी के पास, लेकिन जो वो कहते हैं थोड़ा सा मुँह में से ठिकाने के लिए, वो थोड़ा सा उसको गई मैं करने के लिए, तो आके गोदी में आ गई। मम्मी कह रही अब लग रहा है तुम्हारे पास सोए। मम्मी मेरे पास सो गए, कह रहा हूँ वो गोदी में आके आ गया। तो अब सब कुछ हो गया और अब मैं जा रही हूँ सोने। कोशिश कर रही हूँ थोड़ा लेट उठूँ, बट पता नहीं, क्योंकि आदत जो है वो होता है ना, उसी टाइम पर आँख खुली जाती है। देखते हैं ज्योति गोसाई बस ठीक रखे मुझे तो। पानी जा पापा से कहा नहीं आपसे पापा 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 पापा। सो गाइज, नेक्स्ट डे मैं ये शूट कर रही हूँ। एक्चुअली क्या हुआ ना कि मैं थोड़ी देर तक सोच रही थी कि मैं सोई रह जाऊं ताकि मतलब मैं ठीक रहूं इस वजह से। लेकिन क्या हुआ, धनवा इतनी लेट सोया था, फिर भी आज पता नहीं कैसे सुबह इतनी जल्दी उठ गया और तब से परेशान करना शुरू कर दिया। एंड सर्गी के टाइम पे मैंने नहीं कुछ खाया था, बस पानी वानी पी ली थी, एक थोड़ा सा कुछ लेके ऐसे मुँह में डाल लिया था और मेडिसिन खा ली थी, और उसके बाद और कुछ नहीं खाया था। मेरा मन नहीं कर रहा था इतनी सुबह खाने का। फिर ब्रश वगैरह करके और फिर मैं सोने चली गई। सोने गई तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, 2 घंटे तक नींद नहीं आई। मतलब ऐसे में इसलिए आप लोग से बात कर रही हूँ क्योंकि बाबू की भी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, और आज ज्योतिया है, व्रत किए हैं हम सब, और बबनी की भी तबीयत ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा वो लगा। काम कर रहे हो बेटा? हाँ हाँ, बोतल काम कौन सा होता है? कल रात को आप किसके पास सोए थे? कल रात को पूरा भर दिया पानी। बाबू आज का बहुत फ़ायदा उठा रहे हो, मम्मा नहीं डांट रही है तो। बाबू नहीं बेटा, गंदी बात। आप एक बात बताओ, कल किसके पास सोए थे बेटा? अब नहीं, वो दिख रहा है ना आपको कि भर गया है बेटा? आपको दिख रहा है ना वो भर गया है? अब मैं आपकी पिट्टी करूं? नहीं। तो बताओ जल्दी, कल रात को किसके पास सोए थे? सो गाइज, ये है शाम का टाइम, जिस टाइम कथा होता है, पूजा होता है, और यहाँ पे हम बैठे हुए हैं कथा सुनने के लिए। तो गाइज आप लोग मुझे देख सकते हो, बहुत लोगों ने कमेंट इंस्टाग्राम पे कर ही दिया है और यहाँ भी करेंगे कि दी आप इतने सिंपल क्यों दिख रहे हो। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं बस जस्ट अभी नहाकर ही निकली थी कि तब तक गई निक्की और बोली कि मम्मी बुला रही। तो मुझे लगा मम्मी ऐसे बुला रही, लेकिन जब मैं आई तो नानी जी कथा कह रही थी फ़ोन पर। बहुत से लोगों ने ये भी कमेंट किया इंस्टाग्राम पर कि फ़ोन पर कौन था, तो नानी जी थी, वो कथा सुना रही थी। उनका बहुत मन था कि वो हमें कथा सुनाए, तो यहाँ पे वही कथा सुनाने थी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर पाई। गले में मंगलसूत्र वगैरह मतलब कुछ नहीं पहन पाई थी, कुछ भी नहीं कर पाई थी, और चुपचाप यहाँ पे बैठ कर नानी जी की कथा सुनने लग गई। और बाबू और बबनी की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, निक्की का भी मन ठीक नहीं था, तो निक्की भी यहीं पे साइड में बैठी हुई थी और हम बस नानी से कथा सुने थे। इसके बाद मम्मी ने भी कथा सुनाया, और फिर एक सुमित है, उनके एक फ्रेंड है, उनकी मम्मी हर साल हमें लोधी रोड में कथा सुनाती थी, तो उन्होंने भी फ़ोन पर हमें कथा सुनाया। उनकी आवाज़ ज़्यादा आएगी तो आप लोग कथा ज़रूर पूरा सुनिएगा। रामचंद्र जी से कि समृद्ध के मम्मी ज्योतिया भूखल रहे। ए यार तो का बड़ी यार जाके रामचंद्र जी से कहा या कि सानविका के मम्मी ज्योतिया भूखल रहे। हाँ जी, हाँ जी।
नानी जी नमस्ते। नानी जी नमस्ते। पति नामक राज कन्या देव पूजन के लिए आई हुई थी। एक दूसरे को देखते ही उसके हृदय में प्रेम हो गया। परस्पर प्रेम दर्शन का यह दृश्य राजकुमारी के भाई ने देखा था। राजकुमारी अपने भाई के साथ लौट आई। जब जीव मुतवाहन पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें अचानक किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वे उस आवाज की ओर चल दिए। थोड़ी दूर जाकर उन्होंने देखा कि संचुन्ना सांप की मां रो रही है। उन्होंने उससे रोने के कारण पूछा तो ज्ञात हुआ कि उसका एकमात्र पुत्र आज गरुड़ के मुंह के भोजन के लिए जाने वाला है। जी मुतवाहन का हृदय द्रवित हो गया। वे स्वयं गरुड़ के भोजन के लिए नियत स्थान पर जाकर लेट गए। नियत समय पर आकर गरुड़ ने जी मुतवाहन पर जोर से प्रहार किया, किंतु वे शांत भाव से पड़े रहे, हिले नहीं। गरुड़ जी को आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगा, ये कौन है? जब गरुड़ ने उसे खाना बंद कर दिया तो जी मुतवाहन ने पूछा, अपने खाना बंद क्यों कर दिया? मेरी नसों में अभी रक्त प्रवाहित हो रही है, मेरे शरीर में मांस है, लगता है अभी तुम्हारी भूख मिटी नहीं है। गरुड़ जी मुतवाहन को पहचान कर पश्चात करने लगा। गरुड़ ने शांत भाव से कहा, यह तो दूसरे के लिए प्राण दे रहा है और एक मैं हूं कि प्रतिदिन अपनी भूख मिटाने के लिए दूसरे को जान लेता हूँ। इस प्रकार अनुताप करके इस गरुड़ के करते हुए गरुड़ ने अपने कलंकित रूप के दर्शन किए। गरुड़ ने अपने पापों का प्रायश्चित करके राजा से वर मांगने के कहा। राजा ने कहा, आज तक अपने जितने सांप मारे हैं उस सबका जीवित करके भविष्य में सांप को खाने का प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए। गरुड़ ने तथा कर अपने धर्म निभाया। जब यह घटना घटी उसी समय राजकुमारी का पिता तथा भाई जी मुतवाहन की खोज करते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने राजकन्या का विवाह उससे कर दिया। उस दिन अश्विन कृष्ण अष्टमी थी, जो कि आज हम लोग करते हैं व्रत। बोलिए जीवित्पन्नन महाराज की जय। जय। तो आंटी जी ने कथा कह लिया था, ख़त्म हो गया था। तो अब हम उनसे फ़ोन पे बातें कर रहे थे, हाल चाल पूछ रहे थे। तो गाइज़ आपको अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो कहतनी राउत दक्षिण में तले हम ले लेता नहीं। इस बार लेकिन आपका सेहत मुझे ठीक लग रहा वो है। तो ठीक, पिछली बार जी होती है मैं तो ठीक ही थी मम्मी। नहीं तीज में जैसे अभी हाल फिलहाल में ट्रेलर हाँ देखने को मिला था ना, मुझे तो डर था कि कहीं वैसा ही ना और हो। आज तो भी पानी भी नहीं पी रहा। बर्थडे नहीं है बेटा, इधर देखो वो देखो ज्योति और पूजा है आपके लिए और मम्मी के और लिए। मम्मी आपका क्यों मन ठीक है ना? जान लिया इसलिए मम्मी तो ठीक भगवान का है। आशीर्वाद होता है यार, भगवान साथ कल सुबह ही मेरे को मतलब वो हुआ कि मैं ठीक थी। कल सुबह उठते मैंने बोल दिया कि तो हाँ प्लीज इसके लिए कोई कमेंट दिया वही चीज है, भगवान आशीर्वाद तो रखते हैं यार हम बच्चों। चेंज कर लो इसे। हाँ। आपको पता है धनु जी क्यों कह रहे हैं चेंज करने के लिए? क्यों? क्योंकि बम्मी ने यहाँ पे कर दिया था, है ना, कर दिया था, इसलिए बोल रहे हैं कि इसको अब चेंज कर लो, गंजा हो गया है ना। बम्मी इसको चाट रही है, कर दिया ना फिर आने तो है तो सदा सुहागन रहो।
ये भी फुल ये मैंने पिछले बार बोली थी। दादी का बेटा दादी बमनी माता रानी दादी का सुनो दादी का सुनो दादी नहीं के पैर छू रहे कामी वो तौली हटाना कामी वो तौली हटाना भाई नीमन से वीडियो बन रहा है है मैं देख के पूछ जन पूछे कि हाल चाल तो नहीं भगवान के आशीर्वाद दे दी बस हो गई हो गई हो जाता है इधर किसके पास जाओगे जाओ 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 किसके पास जाओगे आप नीचे वाले में ग्रे वाला रखा है ना मम्मी कहते नहीं करवा फिर दसवीं लाख जी तो क्यों करे एक परिचय जितना से करी सर है ना तो मम्मी अभी मैं आपको देख लो हाफ करी करके नहीं बासी खाते ही नहीं बासी नहीं खाते 5 बजे चाय पीना है बस क्या चाय पीना है मुंह जूठा कर दो प्यास लग गला सूख गया सो गाइस पिछली बार जब तबीयत खराब थी तब मैं इतना मेकअप करके तैयार थी इस बार कुछ नहीं क्योंकि मैं शाम को सो गई थी और जैसे उठी मैं नहाने गई नहा के तो मम्मी ने बोला कि नानी जी कथा कह रही है आ जाओ मैंने कुछ भी नहीं किया है आज इस बार मैंने सोचा कि मैं जब तैयार हूँगी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं कैसे रेडी होती हूँ क्या कैसे और अभी और बातें आप लोगों से करनी है वो बाद में करूँ उससे पहले बता दो ये मंदिर में रखना है मम्मी का और मेरा जो है ज्योतिया है और यहाँ पे ज्योतिया आज के दिन नहीं पहनते हैं नेक्स्ट डे पहनते हैं अगले दिन पारण के टाइम पर तो इसलिए मम्मी से मंदिर में रखवा देंगे और फिर कल सबके गले में पहना के जितने भी लोग हैं सबके गले में पहनाएंगी और फिर तब वो पहनाएंगी और तब मैं भी पहनूंगी।